अगर दोस्तों आपके पास एक से ज़्यादा एडसेंस अकाउंट है तो आपका चैनल कभी नहीं होगा मोनेटाइज। जी दोस्तों आपने सही सुना, मेरे पास ऑलरेडी 3 एडसेंस अकाउंट है। इसकी वजह से मेरा जो ब्लॉग वेबसाइट है रिजेक्ट कर दिया गया है मोनेटाइज के लिए, अभी ऊपर नहीं मिला है। मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, मेरे पास ऑलरेडी 3 एडसेंस अकाउंट है, जो कि मैं इसके चक्कर में एक एडसेंस अकाउंट को पहले डिलीट कर चुका हूं। और मेरे नाम से अभी भी 2 एडसेंस अकाउंट यहां पर पड़ा हुआ है, जो कि ऑलरेडी 3 एडसेंस अकाउंट था। मैंने एक एडसेंस अकाउंट का ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूं। चलिए मैं आपको डिलीट जो किया हूं उसका जीमेल आया हुआ है, चलिए मैं आपको पहले जीमेल को ओपन करता हूं। और दोस्तों जीमेल को ओपन करने का आपको कुछ इस तरह का देखने को मिला, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, योर ऐप क्लोज योर गूगल पेमेंट प्रोफाइल, जो कि मैंने ऑलरेडी एक एडसेंस अकाउंट को यहां पर डिलीट कर चुका हूं। आप देख सकते हैं 5 दिन आगे पहले किया हूं, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऊपर पर आपको देख सकते हैं यहां पर, जो कि मैंने 5 दिन पहले इसको किया हूं, इसका डेट आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर डेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट देख सकते हैं, यहाँ पर डेट आपको देखने को मिल रहा है 22 जनवरी 2021 को इतने बजे मैं इसको क्लोज किया हूँ, जो इस एक आईडी को मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को क्लोज योर गूगल पेमेंट प्रोफाइल, जो कि मैंने ऑलरेडी इसको डिलीट कर चुका हूँ, तो इसके लिए मेरा ये एडसेंस अकाउंट डिलीट हो चुका है। अभी भी मेरे पास 2 एडसेंस अकाउंट पड़ा हुआ था। अगर आपके पास भी अगर इस तरह का एडसेंस अकाउंट पड़ा हुआ है तो आपका चैनल कभी नहीं होगा मोनेटाइज। आप कैसे चेक कीजिएगा उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर आसान से चेक कर सकते हो कि अगर आपके नाम से भी अगर ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट बना हुआ है तो आप वहां से आपको जाकर चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों एडसेंस अकाउंट बन जाता है किस वजह से आपको मालूम है? अगर आप किसी कभी भी किसी ब्लॉग वेबसाइट या मोनेटाइज के लिए अप्रूवल, जैसे आप एडसेंस अकाउंट के साथ रजिस्टर कर देते हैं ना, तो रजिस्टर करते ही आपका एडसेंस अकाउंट पर रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। आप सोचते होंगे मेरे पास एडसेंस अकाउंट नहीं है। अगर आप कभी भी आपका चैनल का जो मोनेटाइज कैटेगरी जो होता है 1000 सब्सक्राइब प्लस 4000 घंटा वॉच टाइम जब पूरा हो जाएगा, अगर आप उस समय उसको मोनेटाइज के लिए अप्रूवल लीजिएगा तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक एडसेंस अकाउंट पहले से बना हुआ है। इसकी वजह से आपका एडसेंस अकाउंट वहाँ पर मोनेटाइज के लिए अप्रूवल नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी 3 एडसेंस अकाउंट पहले से बना हुआ था, मैं ऑलरेडी एक एडसेंस अकाउंट पर डिलीट कर चुका हूँ, और प्लस मेरे पास और भी 2 एडसेंस अकाउंट है। चले मैं 2 एडसेंस अकाउंट कहाँ से है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैं क्रोम को ओपन करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं क्रोम को ओपन करने पर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ गूगल एडसेंस, ठीक है। जैसे एडसेंस गूगल डॉट कॉम कुछ इस तरह पर डायरेक्ट सर्च करता हूँ, चलिए मैं गूगल एडसेंस को ओपन करता हूँ। तो मैंने गूगल एडसेंस यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ कुछ इस तरह पर, देख सकते हैं मेरे यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑल कर देता हूँ, मेरा डाटा शायद ऑफ है, डाटा को ऑन कर लेता हूँ। अब गूगल एडसेंस को मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ गूगल एडसेंस को सर्च किया तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का गूगल एडसेंस का वेबसाइट आ गया। तो आप इसमें से भी चेक कर सकते हो वेबसाइट मोनेटाइजेशन, गूगल एडसेंस, दोनों वेबसाइट एक ही सेम टू सेम कैटेगरी में है। तो मैं गूगल एडसेंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, गूगल एडसेंस के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मेरा वेबसाइट कुछ इस तरह का आगे ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास गूगल एडसेंस का अकाउंट यहाँ पर फिर रखिए, एक से एक मेरा ऑलरेडी कॉन्फर्म ये एडसेंस अकाउंट है मेरा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये मेरा कॉन्फर्म और एक है मेरा रजिस्टर अकाउंट, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो आपको देखने को मिल रहा है। चलिए मैं इसको मैं प्ले इसको जो साइड है इसका सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है, ऐड साइड, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत आ रही है, पेमेंट प्रोफाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा कॉन्फर्म एडसेंस अकाउंट है, वो जो मेरा है वो एडसेंस अकाउंट कॉन्फर्म नहीं है, मगर वहाँ पे रजिस्टर ऑलरेडी है, ठीक है ना। अगर आपके नाम से अगर एक से ज़्यादा रजिस्टर होगा तो आपका चैनल कभी नहीं होगा मोनेटाइज। इसी चक्कर में मेरा जो ब्लॉग वेबसाइट मोनेटाइज इनेबल नहीं किया गया है, मेरे को वहाँ पर नोटिस दिया गया था साफ साफ लिख के, भाई आपके नाम से ऑलरेडी 3 एडसेंस अकाउंट है, इसकी वजह से मैं आपका ब्लॉग वेबसाइट को मोनेटाइज नहीं करूँगा, आपका वेबसाइट को रिजेक्ट कर देता हूँ। उस वजह से मेरा जो रिजेक्ट किया गया, तब मैंने चेकआउट किया हूँ, चेकआउट करने के बाद मैंने चेका तो मेरे पास ऑलरेडी एक के बदले 3 एडसेंस अकाउंट बना हुआ है, तो इसी वजह से मुझे जो वहाँ पर मोनेटाइज के लिए अप्रूवल नहीं मिला है। अगर आपके पास भी अगर इस तरह का रजिस्टर किया हुआ तो आप जाके जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दिया हूँ उस वीडियो का, कैसे आप चेक कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर अगर एक से ज़्यादा तीन अगर एडसेंस अकाउंट है। तो चलिए मैं अब दूसरा एडसेंस अकाउंट के बारे में यहाँ पर रजिस्टर जो किया हुआ है, रजिस्टर वाले एडसेंस अकाउंट आपको किस तरह का दिखता है तो उसको भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने रजिस्टर वाले एडसेंस अकाउंट को यहाँ पर ओपन किया, ओपन करने का कुछ इस तरह का आपको दिखने को मिले, जो रजिस्टर आप जिस अकाउंट को कीजिएगा उस अकाउंट रजिस्टर होने के बाद कुछ इस तरह का आपको देखने को मिले, यहाँ पर होम बटन देखने को मिले। जैसे आप होम 3 के ऊपर क्लिक कीजिएगा, 3 के ऊपर क्लिक करने का कुछ इस तरह पेमेंट प्रोफाइल देखने को मिले। जैसे आप पेमेंट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने का सारा हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, जो आपका एडसेंस अकाउंट आप देख सकते हैं, योर अर्निंग या जो कि आपका पेड प्रोफाइल या सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिला, जो आपका एडसेंस अकाउंट का अप्रूवल के लिए मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर आपको पेमेंट प्रोफाइल के लिए दिखाया जा रहा है $100 होगा तो आपका ये प्रोफाइल जो आप यहाँ पर पेमेंट प्रोफाइल के ऊपर काम कर सकते हो, जो कि मेरा दूसरा है आप देख सकते हो, दूसरा है मेरा एडसेंस अकाउंट है एडसेंस पब्लिकर अमर महतो, जो कि मेरे नाम से ही आप देख सकते हैं अमर महतो, वो भी अमर महतो के नाम से थे, तीसरा भी अमर महतो के नाम से, जिसको मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये भी एक रजिस्टर है एडसेंस अकाउंट, रजिस्टर एडसेंस अकाउंट इसी तरह आपको दिखेगा। अगर आपके पास भी अगर रजिस्टर एडसेंस अकाउंट है इस तरह का,
तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। एक नाम से अगर आपको हर किसी ने बताया होगा, हर यूट्यूबर ने इस तरह का बताता है भाई आपके नाम से एक ही एडसेंस अकाउंट बनता है, ठीक है। मगर एडसेंस कन्फर्म अकाउंट जो आपको दिखने को मिल रहा है, कन्फर्म अकाउंट एक ही बनेगा अगर आपका उसमें अलग अलग तरह का रजिस्टर अकाउंट बन जाता है। तो रजिस्टर अकाउंट अगर आपका बना हुआ है किसी भी तरह से, अगर आपने एडसेंस के लिए रजिस्टर किया होगा तो रजिस्टर हो जाता है भाई एडसेंस अकाउंट के लिए। तो एडसेंस कन्फर्म अकाउंट एक ही बनता है, बाकी जो कन्फर्म अकाउंट नहीं होता है, मगर अगर रजिस्टर हो जाता है तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताना था कि अगर आप, और दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक अगर देख ही लिया है तो आपको इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि आप एडसेंस अकाउंट को कैसे चेक कीजिएगा, आपने किस किस जीमेल पर एडसेंस अकाउंट रजिस्टर है कैसे नहीं है, ठीक है ना। तो पहले आपको जाना क्रोम पे, क्रोम पे जाने के बाद आपको सर्च वहाँ पर लिखना है गूगल एडसेंस। जैसे आप गूगल एडसेंस लिखते हो उस तरह जो फर्स्ट में दिखाया इंटरफेस पे उस तरह दिखने को मिलेगा, उससे आपको साइन अप करना है जीमेल से। जीमेल का आपको जाना है, जीमेल पे जाने के बाद आपको देख सकते हैं मैं एक जीमेल को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो इस जीमेल के अंदर मेरा जो एडसेंस अकाउंट बना हुआ नहीं है, इस तरह का आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए आप जैसे मैं उस जीमेल के ऊपर आऊँगा तो आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को साइन अप यू नाउ, तो इस तरह का आपको देखने में, जिसका अगर आपका एडसेंस अकाउंट बना हुआ नहीं तो इस तरह का आपको देखने को साइन अप, ठीक है। अगर आप जैसे ही हम साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, साइन अप करने के बाद ही आपका एडसेंस अकाउंट वहाँ पर रजिस्टर हो जाता है। इस तरह की गलती आप कभी नहीं कीजिएगा कि आप साइन अप कर दीजिए, ठीक है। साइन अप कभी नहीं कीजिएगा जब तक आपका 1000 सब्सक्राइबर होगा, 4000 घंटा वॉच टाइम होगा, तभी आप साइन अप कीजिएगा, आसानी से सही होगा वही वाला, ठीक है। और अगर आपके पास देखिए इस तरह का मैं आपको दिखा दें, और जिस मैंने ऑलरेडी 3 एडसेंस अकाउंट में आपको यहाँ लाइव प्रूफ दिखाया हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपका अच्छा लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को नहीं सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस किया ताकि आगे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।